पिक्सेल ऐप ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद न्यू टेक्स्ट में जाना है और नीचे जो ये है वहाँ जाके एडिट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे नेम लिखना है, देन उसके बाद ओके करना है। ऊपर ओके करने के बाद ये भी फ़ोन में जाना है। ये भी फ़ोन में जाने के बाद माय फोन्स में जाके फ़ोन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ओके करना है। ओके करने के बाद साइज़ में जाना है और साइज़ को इंक्रीज कर देना है। उसके बाद फ़ोन को सेव कर लेना है। डबल टैप में जाना है और उसके बाद ट्रांसपेरेंट में जाके ऊपर जो मेमोरी कट ऑप्शन है वहाँ क्लिक करके सेव एज इमेज करना है। करने के बाद डिफॉल्ट को अल्ट्रा करना है। करने के बाद सेव टू गैलरी करना है। उसके बाद PSSC ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद पिक्सल को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद नीचे जो प्लस आइकन है वहाँ क्लिक करके फोटो लेयर में जाके PNG को सिलेक्ट करना है और पिक्चर के ऊपर सेट करना है। उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करना है टू, देन उसके बाद फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर जो एडजस्ट ऑप्शन है वहाँ जाना है और नीचे जो ये इन्वर्ट ऑप्शन है उसको क्लिक करके इन्वर्ट करना है। देन डबल टैप में जाके स्क्रीन करना है फर्स्ट लेयर को। उसके बाद सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करके एफएक्स में जाना है। एफएक्स में जाने के बाद बेबल में जाना है। जाने के बाद ब्लर रखना है 4, डिस्टेंस को भी 4 रखना है और कलर को ब्लैक रखना है और एंगल को 175 करना है। देन उसके बाद राइट क्लिक कर देना है। ब्लेंडिंग मोड पे जाके सेकेंड लेयर को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद थर्ड लेयर में जाना है। जाने के बाद ऊपर जो इफेक्ट्स है वहाँ जाके फिर से बेबल में जाना है। बेबल में जाने के बाद ब्लर को रखना है 8, डिस्टेंस को भी 8 रखना है, डिस्टेंस को भी 8 रखना है। उसके बाद फिर से बेबल लगाना है, 8 टाइम्स बेबल लगाना है ऐसे ही। तो मैंने 8 टाइम्स बेबल लगा दिया। देन उसके बाद थर्ड लेयर को लाइटन करना है। लाइटन करने के बाद ऊपर जो फर्स्ट लेयर है वहाँ जाना है। जाने के बाद एफएक्स में जाना है। एफएक्स में जाने के बाद ग्लो ऑप्शन क्लिक करके 0.6 करके ग्लो देना है, 2 टाइम्स देना है। देन उसके बाद नीचे जो थर्ड लेयर है वहाँ जाके एडजस्ट ऑप्शन में जाना है और कर्व को क्लिक करना है और कर्व को ऐसे एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद नीचे जो राइट ऑप्शन है वहाँ क्लिक करना है। करने के बाद अभी हम करके ऊपर पेंसिल आइकन में जाके सिलेक्ट पिक्सेल करना है। करने के बाद ब्रश को सिलेक्ट करना है। करने के बाद ब्रश के जरिए कलर करना है अलग अलग। उसके बाद कलर को चेंज करना है और फिर से कलर करना है। देन फिर से कलर में जाना है और कलर चेंज करना है। करने के बाद कलर कर लेना है। फिर से कलर में जाके कलर को चेंज करके कलर कर लेना है। देन अभी कलर हो चुकी है तो अभी फिर से पेंसिल आइकन में जाके डिसलेक्ट कर देना है फ़ोन को। देन उसके बाद अभी हम फोटो लेयर से जाके PNG को सिलेक्ट करेंगे और फ़ोन के ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो इसे एडजस्ट कर लेना है। देन इस PNG को हम पेंसिल आइकन में जाके पहले कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाना है और PNG को पेस्ट करना है।
पहले कॉपी करना है, उसके बाद पेश करने से चलेगा, देन फिर से पेश करना है। तो वीडियो को स्किप करके मैंने पेश किया। देन फिर से पेंसिल आइकन में जाके फिर से पेज करना है और फोन के ऊपर सेट करना है। इसको पहले सीधा कर लेना है, पीएनजी को सीधा करने के बाद ऐसे लगा देना है। देन कॉपी पेज करके मैंने पीएनजी को सेट किया। देन फिर से अलग कलर का पीएनजी मैंने सिलेक्ट किया। अभी आर के साइन में इस पीएनजी को सेट करना है। देन अभी हम फिर से फोटो लेयर में जाके, सॉरी पहले डबल टैप में जाके सारे पीएनजी को पहले मार्ज डाउन करेंगे। क्लिक करके सारे पीएनजी को मार्ज डाउन करके लेयर को कम करना है। देन उसके बाद फिर से फोटो लेयर से जाके डायमंड हार्ट पीएनजी को सिलेक्ट करना है और ऐसे एडजस्ट करना है। तो फिर से फोटो लेयर में जाके फिर से डायमंड पीएनजी को सिलेक्ट करना है। इस डायमंड पीएनजी फ्लॉप होके गायब हो जाती है, तो उसको पहले कॉपी करेंगे पेंसिल आइकन में जाके, फिर पेंसिल आइकन में जाके पेज करेंगे इस पेंसिल की डुप्लीकेट लेयर को। देन फोन के ऊपर इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद इस पहले पीएनजी को डिलीट करेंगे, पहले सिलेक्ट करके डिलीट करना है। देन उसके बाद फिर से फोटो लेयर से जाके दूसरे कलर का हार्ड पीएनजी लिया, देन ऐसे सेट कर लेना है। उसके बाद फिर से अभी फोटो लेयर में जाके दूसरा पीएनजी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी पहले कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से पेश करना है। देन उसके बाद इसको डबल टैप में जाके इसको डिलीट कर देना है, पहले पीएनजी को। डिलीट करने के बाद इस पीएनजी को सिलेक्ट करके एन में जाना है। एन में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाके इस पीएनजी को पहले सेट करना है। देन उसके बाद इस पीएनजी को सिलेक्ट करके पेंसिल आइकन में जाना है और पीएनजी को पहले हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाके अभी पीएनजी को पेश करेंगे। देन इसे सेट करना है पीएनजी को। तो मैंने वीडियो को स्किप करके पीएनजी को सेट कर लिया। देन उसके बाद फिर से फोटो लेयर में जाना है और पीएनजी को सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद पीएनजी को इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर से पीएनजी को सिलेक्ट करके पेंसिल आइकन में जाके पहले कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाके इस पीएनजी को पेश करना है। करने के बाद सेट कर लेना है। तो मैक्सिमम लेयर ज़्यादा हो चुकी है, अभी पहले मार्ज डाउन कर लेना है। डबल में जाके बीच में जो ऑप्शन है वहाँ जाके मार्ज डाउन करना है पीएनजी को पहले। अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने लेयर को मार्ज डाउन कर दिया। देन फिर से पेंसिल आइकन में जाना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाके अभी पेज करना है डायमंड पीएनजी को और इसे सेट कर लेना है। तो मैंने वीडियो को स्किप करके इसे सेट किया। देन अभी फिर से फोटो लेयर में जाके दूसरा डायमंड पीएनजी मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद पहले पेंसिल आइकन में जाके कॉपी करना है, फिर से जाके पेज करना है और साइज़ को छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद अभी
फ़ोन के ऊपर उसको PNG को सेट करना है। देन अभी इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद पहले PNG को अभी हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद इस PNG को सिलेक्ट करके पेंसिल आइकॉन में जाना है और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से पेंसिल आइकॉन में जाके पेस्ट करना है। देन उसके बाद सेट कर लेना है फ़ोन के ऊपर। तो मैंने स्किप करके वीडियो को सेट कर लिया। देन फिर से आर में भी PNG को सिलेक्ट करके फोटो लेयर से पेंसिल आइकन में जाना है, कॉपी करना है और फिर से पेंसिल आइकन में जाके PNG को पेश कर लेना है। तो ऐसे पेश कर लेना है, आप लोग देख सकते हैं PNG को मैंने सेट कर दिया। देन फिर से डबल टैप में जाके बीच में जाके मर्ज डाउन कर लेना है PNG को। देन उसके बाद फिर से फोटो लेयर में जाके PNG को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद कॉपी करके ऐसे पेश करना है डायमंड हार्ट PNG को। सेम प्रोसेस है। तो पहले PNG को डबल टैप में जाके डिलीट करना है, फिर से फोटो लेयर में जाके दूसरा लाइट PNG सिलेक्ट करना है, फिर से फोटो लेयर में जाना है। जाने के बाद दूसरा हार्ट PNG सिलेक्ट करके सेट करना है। देन उसके बाद अभी आप लोग देख सकते हैं PNG लग चुकी है। देन अभी हम फोटो लेयर में जाके फ्लावर PNG को फ़ोन के ऊपर सेट करेंगे। इसे सेट करना है। सेट करने के बाद ऊपर प्लस आइकन में जाके कॉपी करना है फ्लावर PNG को। देन उसके बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाके पेश कर लेना है फ्लावर PNG। देन फिर से कॉपी पेश कर लेना है PNG को। फिर से मैंने वीडियो को स्किप करके कॉपी पेश कर लिया। फिर से फोटो लेयर में जाके लाइट PNG ऐड करके लाइटन करना है। करने के बाद एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में जगह अभी PNG को फ्लावर बीच में सेट करना है। तो इसे सेट करना है। देन फिर से डुप्लीकेट लेयर करना है लाइट PNG को। उसके बाद एंड में जाके ट्रांसफॉर्म में जाना है और लाइट PNG को सेट कर लेना है। उसके बाद पिक को ब्लर करके अभी दिखाएंगे कैसा लग रहा है। लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है लाइट PNG लगाने के बाद।